मॉर्निंग सर। सो गुड मॉर्निंग। देखो भाई, मैंने आज ईयरफोन नहीं लगाए हुए हैं, तो हो सकता है और ये होगा भी कि मैं आप लोगों की आवाज नहीं सुन पाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने चैट में बोलना है सब कुछ। ठीक है, गुड मॉर्निंग भाई सौरभ, आप लोगों ने सब कुछ चैट में ही बोलना है। और मैं इस चैट के लिए यहाँ पे फोन रख रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं ये स्ट्रीम चला के बैठा हूँ। ठीक है, जिससे कि मैं आपकी इन चैट्स को पढ़ पाऊंगा, जो भी आप मेरे को बोलना चाहते हो। ठीक है, तब तक अपने दोस्तों से बोल दो, पहले तो ये बताओ कि आवाज साफ आ रही है कि नहीं आ रही, ये बताओ पहले तो। थैंक यू भाई सौरभ। ओके, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो ठीक है भाई, आगे पढ़ते हैं। मैं जो अभी अभी ज्वाइन हुए हैं उनको दोबारा से बता दूं, आपको कोई भी क्वेश्चन करना है आप लोग चैट में करेंगे। ठीक है, मेरे सामने, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना देखो माइक लगा रखा, आपको दिख रहा होगा, ये रहा माइक लगा रहा है इधर, तो आवाज साफ आ रही होगी इस माइक की वजह से। बस आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए मैंने माइक फैसिलिटी करी है, पीछे वाईफाई लगा हुआ है। ठीक है, कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कैसे भी। तो कल मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था, क्या सभी ने देख लिया है? अगर देख लिया है तो हैंड रेज कीजिए, और अगर नहीं देखा है या फिर आपको पहले से ही आता है तो भी हैंड रेज कीजिए। जिसने नहीं देखा है, जिसको नहीं पता है, अंशिका ने देख लिया, भव्या ने देख लिया, मैंने देख लिया। ठीक है, चलो जी, तीन बच्चों ने देखा क्या? बस चलो, लोअर कर लो अपने, हिमांश ने देख लिया। चलो ठीक है भाई, ठीक है। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और आपको बता ही दिया है कि आप लोग जो भी बात करेंगे वो कमेंट में करेंगे। ठीक है, चलो जी, स्टार्ट करते हैं क्लास को। यहाँ क्या आप लोगों को स्क्रीन, चलो मैं देख लेता हूँ, स्क्रीन दिख रही है क्या? बार बार क्वेश्चन पूछ के आप लोग बोर हो जाएंगे। आप लोगों को स्क्रीन भी साफ साफ दिख रही है, और शेयर करते हैं क्लास को। तो देखिए, कल के लेक्चर में मैंने ये सभी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर ली थी। ठीक है, ये सभी टर्मिनोलॉजीज मैंने डिस्कस कर ली थी कल। यहां तक में किसी कोई डाउट है तो मुझे अभी बता दो लिख करके, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। अगर डाउट नहीं है तो नो डाउट बोल दीजिएगा। ठीक है, एनी डाउट? नो डाउट, ओके ठीक है, आगे चलते हैं। ओके ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी, आगे चल रहे हैं अब हम लोग, तो स्टार्ट करते हैं इस चीज को। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कुछ कॉमन डिसीजेस। मुझे पता है मैंने बैक्टीरियल डिसीज पहले पढ़ा दिया था, बट फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस, जिससे कि आपका कंटेंट कंप्लीट रहे, इसीलिए मैं, ठीक है, इसीलिए मैं ये लेक्चर दोबारा से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो
तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो कुछ कॉमन डिसीज जो ह्यूमन के अंदर मिलती हैं, जैसे कि बैक्टीरियल डिसीज, वायरल डिसीज, प्रोटोजोअन डिसीज, हेलमिंथिक डिसीज एंड फंगल डिसीज। बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज को बैक्टीरियल डिसीज बोलेंगे, वायरस से होने वाले डिसीज को वायरल डिसीज बोलेंगे, प्रोटोजोआ से होने वाले डिसीज को प्रोटोजोअन डिसीज बोलेंगे, हेलमिंथस से होने वाले डिसीज को हेलमिंथिक डिसीज बोलेंगे, फंगाई से होने वाले डिसीज को फंगल डिसीज बोलेंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो आप मुझे ये बताइए, अच्छा मैं आपसे ना एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे 11th क्लास का, अगर पता होगा तो बता दीजिएगा कमेंट में, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो कमेंट पर आ जाओ। ये बैक्टीरिया कौन से किंगडम में आता है, कौन से किंगडम में आता है, जल्दी बताओ अगर पता है तो। सर ऐसे तो नहीं हमारी क्लास में। किंगडम में आता है, बहुत बढ़िया, ठीक है, सही जवाब दे दिया बच्चे ने, मोनेरा। ठीक है, तो पहला बैक्टीरिया का मोनेरा है। अच्छा, प्रोटोजोआ कौन से किंगडम में आता है, प्रोटोजोआ, हेलमिंथस कौन से किंगडम में आता है, इस लेक्चर को अलग डिजाइन पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, चलो सही जवाब दे रहे हो तुम भव्या। फंजाई तो अपना ही एक किंगडम है, ठीक है। अच्छा, मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ना व्यू बदलना चाहता हूँ इस चैप्टर को पढ़ाने का, थोड़ा सा बस इसी स्लाइड पे। ठीक है, तो ये आता हुआ किंगडम मोनेरा में, ठीक है, मोनेरा किंगडम हो गया। वायरस का कोई किंगडम नहीं है, वायरस सर हर्षिता कौन है, अरे बच्चों ये इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं थोड़े से, ठीक है, वो भी ज्वाइन कर रखे हैं, उन्होंने लेक्चर देख रहे हैं। चलो भाई, हाँ भाई क्रिस, तुम पिछली बार बोल रहे थे आवाज में दिक्कत है, तो क्या आवाज वगैरह सब अब ठीक है ना, तुम्हारी वजह से अब देखो शिफ्ट कर दिया है। Yes, और तुम्हारी वजह से क्यों, स्ट्रीम भी तो अच्छी हो गई है। तो ये आता है किंगडम प्रोटिस्टा में, ये आता है किंगडम प्रोटिस्टा में, ठीक है। और हेलमिंथस आता है किंगडम, बताओ हेलमिंथस कौन सी किंगडम, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ हेलमिंथस कौन से किंगडम में आता है। कैसे भाई, कैसे जवाब नहीं दे जा रहे तुमसे इस उम्र में, यार क्या हो गया तुम्हें, ये नेट बहुत स्लो है, ये कब तक हाई करता रहेगा भाई, इसको भी तो भगाना है स्लाइड से आगे, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे तो जाना, कब तक ये हाई करता रहेगा, तो जल्दी बताओ भाई, बोल के नहीं सुनेगा भाई मुझे, आप ऐसे बताओ टाइप करके। तो मैं हेलमिंथस का किंगडम नहीं पता, कितनी सोचने वाली बात है। हेलमिंथस आता है एनीमेलिया में, सही बात है भाई, अंशिका ने एकदम सही जवाब दिया है, ये आता है एनीमेलिया में। अच्छा, कितने किंगडम हम स्टडी करते हैं, हम करते हैं 5 किंगडम्स को स्टडी करते हैं, ठीक है, हम 5 किंगडम पढ़ते हैं, जैसे कि पहला किंगडम हमने ये पढ़ा था, एंड आफ्टर दैट हमने ये पढ़ा था, एंड देन हमने ये पढ़ा था, एंड हमारा जो 4th किंगडम है इज प्लांटी किंगडम, प्लांटी, ठीक है, प्लांटी। और जो ये वायरस है ये किसी किंगडम में नहीं आता है, और जो हमारा 5वां किंगडम था वो था एनीमेलिया किंगडम, ठीक है। तो यहाँ पे भाई प्लांट नहीं आए, तो क्या प्लांट कोई बीमारी नहीं फैलाते हैं, ये बताइए मुझे, यस और नो, क्या प्लांट कोई बीमारी नहीं फैलाते हैं, और अगर फैलाते हैं तो अपने यस के सामने उस बीमारी का नाम लिख के बताइए, और अगर नहीं पता है, आपको नहीं पता तो आप नो ही बोलेंगे, ठीक है। तो मैं एक पोल रन करता हूँ, ठीक है, बताना उसके हिसाब से, चलो पोल क्या रन करें ऐसे बता दो ना भाई कमेंट में, यस और नो जल्दी बताओ, क्या कोई प्लांट डिसीज फैलाता है, और अगर फैलाता है तो कौन सी बीमारी फैलाता है। यस, बहुत बढ़िया, प्लांट डिसीज फैला सकते हैं, एकदम सही जवाब है। कौन सी बीमारी, उसका और नाम बता दो, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी भाई, जल्दी बताओ। नहीं नहीं नहीं, अरे प्लांट की खुद की बीमारी नहीं, क्या प्लांट ह्यूमन में कोई बीमारी फैलाते हैं क्या। लीफ रस्ट इज अ डिसीज ऑफ प्लांट इटसेल्फ, इन्फेक्शन हो जाती है सर खुजली। हाँ हो जाता, चलो कुछ इचिंग प्लांट्स भी होते हैं, और बताओ और कौन सी डिसीज फैला सकता है प्लांट।
कहाँ टाइप कर रहा हूँ, हाँ यहाँ टाइप कर रहा। चलो बताओ भाई, एक मैंने आपको पढ़ाया था, अब भूल चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, खुली हो जाती है। चलो भाई ठीक है, प्लांट के पोलन से, सही बात भाई, बहुत बढ़िया जवाब दिया महक ने एकदम। क्या फायर ब्लाइट, ये कौन सी बीमारी है भाई एनसी का? हे फीवर, सही बात है, हाँ उस बीमारी का नाम है हे फीवर। चमन ने एकदम सही जवाब दिया है, हे फीवर बोलते हैं उसको, ठीक है, जो पोलन एलर्जी में आता है, मैं आपको पढ़ाया था पोलन एलर्जी, ठीक है, तो ये बात भी आपने याद रखनी है, पोलन एलर्जी। ओके चलो, बहुत बढ़िया इंटरेक्टिव क्लास चल रही है, मजा आ रहा है क्लास देने में भी, आगे चलते हैं। आई होप यहाँ तक आप चीजें याद कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियल डिसीज से, और आज हम पढ़ेंगे वायरल डिसीज भी, प्रोटोजोअन, हेलमेंथिस और फंगल। मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा, इसके बाद वाला जो लेक्चर है, या फिर उसमें सिर्फ प्रोटोजोअन ही कवर हो पाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटोजोअन डिसीज के अंडर में ना एक बहुत बड़ी डिसीज है मलेरिया, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसमें लाइफ साइकिल पढ़नी होती है प्लाज्मोडियम की। तो ठीक है आगे चलते हैं और बात करते हैं बैक्टीरियल डिसीज की। तो देखो भाई, बैक्टीरियल डिसीज में सबसे पहले मैं पढ़ा रहा हूँ टाइफाइड, आपकी एनसीईआरटी में बस टाइफाइड और निमोनिया ही है, मैं ये दोनों ही पढ़ाऊंगा सिर्फ। हालांकि डिप्थीरिया वगैरह और भी तरह तरह की बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से फैलती हैं, कोई नहीं पूछेगा उसको तुमसे एग्जाम में। अगर आप चाहो तो इस तरह से कर लीजिएगा अपने नोट्स में, बैक्टीरियल डिसीज को सर्च करें और उसका कॉज वेरिएंट कौन सा बैक्टीरिया है उसको लिख लें, अपना फेवरेट जो भी हो, तुम और 5-10 जितना ऐड करना चाहते हो कर लो, अपनी नॉलेज की भूख मिटालो, ठीक है। इस बार बात करते हैं टाइफाइड। तो टाइफाइड का जो पैथोजन है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। देखिए जब आप इसको एग्जाम में लिख के आएंगे तो आपको इसको सेपरेट अंडरलाइन करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो मैं गलत कर दूंगा भाई। सब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा है टर्म टू का, टर्म टू का एग्जाम सब्जेक्टिव है और मैं गलत कर दूंगा अगर आपने साइंटिफिक नेम लिखा और उसको अंडरलाइन नहीं किया, और साथ में जीनस का पहला लेटर आपको कैपिटल बनाना है। ये सब रूल्स आपने 11th क्लास में पढ़ लिए थे। ओके चलो जी आगे चलते हैं। पैथोजन इसका साल्मोनेला टाइफी, उसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इज द फीकल ओरल रूट, है ना, जो गंदा पानी है, कई बार हम कॉन्टेमिनेटेड वाटर के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, उस पानी को हम पी लेते हैं, या कुछ भी हमारे कैसे भी हमारी बॉडी के अंदर वो पानी पहुंच जाता है। कैसे पहुंचेगा? उस पानी का कॉन्टामिनेशन कैसे हुआ? उस पानी में कॉन्टामिनेशन हुआ किसी का फीकल मैटर। स्क्रीन पे कुछ शो हो रहा है, क्या शो हो रहा है भाई, एक मिनट देख लेता हूँ। नहीं कुछ शो नहीं हो रहा इधर में, तो कुछ शो नहीं रहा भाई, भव्या सही तो चल रहा है सब कुछ, देख लो, सिर्फ ये क्लास ही तो चल रही है भाई साफ साफ, और दौड़ना कुछ चल रहा है। अच्छा जी ये स्क्रीन दिखाते हैं, अब चला गया क्या वो? चलो ठीक है, तो फीकल रूट ओरल रूट क्या है? हाँ हो रहा है जो सर पढ़ा रहे हैं, अच्छा मजाक कर रहे हो आपस में, ठीक है, तो सुनिए ध्यान से, फीकल ओरल रूट क्या है? मान चलो कॉन्टामिनेटेड वाटर आपके बॉडी के अंदर जाएगा, कैसे जाएगा? पानी तो ओरल रूट से ही जाता है, अब ये कॉन्टामिनेटेड कैसे हुआ वाटर? क्योंकि इसमें किसी का फीकल मैटर मिल गया, और फीकल मैटर में हमारे में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया होते हैं गंदगी बेकार, तो इस तरह से पहुंच जाता है। फीसिस से क्या पता कोई ये बैक्टीरिया मिल गया हो उससे जा करके, और फिर ओरल रूट के थ्रू बॉडी के अंदर वो इन्फेक्शन कर देगा। आई होप आप सभी को पता होगा इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं इनक्यूबेशन पीरियड, क्या सबको पता है इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पता है सभी को? यस और नो, बस इतना बोल दीजिए, आगे मैं चलता हूं। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1-3 वीक्स, ठीक है, और नहीं पता है तो पूछ लेना। तो 1-3 वीक्स इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, एंड देन सिम्टम की बात करते हैं, तो इसमें हाई फीवर होता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, फीवर के साथ जो पल्स रेट है वो लो हो जाती है। अब देखो भाई ये थोड़ा सोचने वाली बात क्यों है, क्योंकि जब जब कोई भी इंसान बीमार पड़ता है तो वो जैसे आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा 11th क्लास में, अगर कोई पर्सन डिसीज्ड है तो उसका हार्ट रेट क्या हो जाता है? हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। जो कमजोर दिल वाले होते हैं, मतलब बीमारी में दिल कमजोर ही हो जाता है, तो उसका जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है, ठीक है, तो डिसीज होने की वजह से उसका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, लेकिन इस बीमारी में क्या रेट लो हो जाएगा, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और एब्डोमिनल पेन,
एब्डोमेन वाला हिस्सा कौन सा होता है आपको पता होना चाहिए, हेड नेक एंड देन थोरैक्स एंड देन एब्डोमेन, ठीक है। और उसके बाद है फ्रीक्वेंट स्टूल, उसको स्टूलिंग होती है बार बार। स्टूल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, फीकल मैटर जो हम बॉडी से बाहर निकालते हैं, ठीक है भाई। अब एक लेडी है जिसके बारे में मुझे तुम्हें बताना है, दैट इज टाइफाइड मैरी, ठीक है। इसके बारे में न्यूज चली थी, इस लेडी की वजह से रेस्टोरेंट में टाइफाइड की बीमारी फैली थी। इसके खाने में पैथोजन थे, किसके, टाइफाइड फैलाने वाले, और बहुत सारे लोगों को इसने बीमार कर दिया। तो इसका नाम वैसे तो मारी मेलो था, मैरी मेलोन, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैरी मेलोन इसका नाम है, लेकिन देखो आपको दिखा देता हूँ डिटेल में, यहाँ देखो तो मैरी मेलोन इसका नाम था, लेकिन इसको लोग टाइफाइड मैरी के नाम से बोलने लग गए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं वैक्सीन, इस बीमारी के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद नहीं है तो फिर से दिखा देते हैं इसकी वैक्सीन, देखिए आप देख सकते हो टाइफाइड की वैक्सीन दिस, ठीक है, टैब वैक्सीन है इसके लिए, ठीक है जी। आगे चलते हैं अब इसके बाद, चलते हैं भाई, चलो जी इसके बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं बैक्टीरियल डिसीज की नेक्स्ट बीमारी जो है वो निमोनिया। निमोनिया पी साइलेंट है भाई, याद रखिएगा, ठीक है। तो निमोनिया की बात कर रहे हैं और इसके जो पैथोजन है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जो कि ज्यादा पॉपुलर टर्म इसकी यही है। मैंने आपको ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में जब हम जेनेटिक्स पढ़ रहे थे तो समय तो ग्रिफिथ ने जो बैक्टीरिया लिया था वो ये तो लिया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन, ठीक है। लेकिन ये भी आपको याद रखना, ये जो दूसरा बैक्टीरिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये भी निमोनिया फैलाता है, ठीक है। चलो भैया इस बार बात करते हैं निमोनिया कैसी बीमारी है। निमोनिया के सिम्टम आपके कोविड से भी मैच करते हैं, जो आपका पहला वेरिएंट था उससे, ठीक है, सर्दी लग जाती है दोनों में ही। तो क्या होता है वो सुनिएगा ध्यान से, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, स्पूटम ऑफ पेशेंट, जो स्पूटम मतलब जो कि थूक रहा है या कुछ भी कर रहा है उसके थ्रू ना थोड़ा बैक्टीरिया भी पहुंच जाता है दूसरी जगह पर, ठीक है। अच्छा जी इस बार बात करते हैं इनक्यूबेशन पीरियड इसका कितना है, 1-3 डेज, मैंने आपको इनक्यूबेशन पीरियड भाई समझा दिया था, ठीक है। अच्छा जी इस बात करते हैं सिम्टम्स, किसका सिम्टम क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो लिम्फ और जो म्यूकस है, जो लिम्फ और म्यूकस है वो कलेक्ट हो जाता है कहां पे, एल्वियोलाई में और ब्रोंकियोल्स में, कहां कलेक्ट हो जाएगा, एल्वियोलाई में और ब्रोंकियोल्स में। अब एल्वियोलाई और ब्रोंकियोल्स क्या होते हैं ये मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा ढंग से, अगर आपको 11th का कांसेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि हुआ क्या था लास्ट साल भी कोरोना ही था, मुझे नहीं लगता तुम्हारे कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे, बुरा मत मानिएगा लेकिन सुनिए ध्यान से, ठीक है। अच्छा जी तो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है नीचे आकर के प्राइमरी ब्रोंकाई में, लंग्स में जाएगा, ठीक है, लंग्स में जाएगा इसके बाद ये, और लंग्स में जाने के बाद प्राइमरी से बनेंगे सेकेंडरी, सेकेंडरी से बनेगा टर्शियरी, हमने पढ़ा होगा ये सब, ठीक है। टर्शियरी से बनेगा लास्ट में जाके ब्रोंकियोल्स, और उसके बाद जाके लास्ट बनेगा एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई, 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 ठीक है। तो याद रखिएगा मैं क्या बोला, मैंने साइड में अभी लिख देता हूं, ट्रेकिया, ट्रेकिया डिवाइड होता है किसमें, प्राइमरी ब्रोंकाई में, प्राइमरी ब्रोंकाइज में डिवाइड हो जाएगा, और इसके बाद प्राइमरी से बनेंगे सेकेंडरी बहुत सारे, और सेकेंडरी से बनेंगे टर्शियरी बहुत सारे, और टर्शियरी से जाने के बाद लास्ट में बन जाएगा ब्रोंकियोल्स, ठीक है, ऐसे डिवाइड होते हैं ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स जाके मिल जाएगा किसमें, एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई में जाके मिल जाएगा, ठीक है जी, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो अगर मैं ब्रोंकियोल और एल्वियोलाई को डिटेल में बताऊं तो यहाँ पे इस तरह से देखिएगा, ये है आपका ब्रोंकियोल, एंड देन इसके बाद यहाँ से स्टार्ट, हालांकि आप इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, एल्वियोलर डक्ट वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये है ब्रोंकियोल, ठीक है, और यहाँ पे है आपका एल्वियोलाई, ठीक है। अभी मान के चलो इस एल्वियोलाई के अंदर वी वॉल्यूम की एयर आ सकती है, कितने वॉल्यूम की, वी वॉल्यूम की एयर इसके अंदर आ सकती है, ठीक है। बाय डिफेक्ट ऐसा हो गया कि अब इस एल्वियोलाई के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया, क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, और इन्फ्लामेशन होने की वजह से यहाँ पे कुछ सेक्रीशंस आ गए, इस तरह सेक्रीशंस आ गए, ठीक है।
तो अब जो पहले वी वॉल्यूम था, ऑब्वियस सी बात है उस वॉल्यूम में से कुछ अब वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर ये ए वॉल्यूम का फ्लूड यहां पे निकला है तो अब इसका वॉल्यूम कम हो गया, वी माइनस ए हो गया। हमारी बॉडी को सांस लेने के लिए चाहिए वी वॉल्यूम एयर, लेकिन अब हमें मिल रही है वी से कम एयर। अब हमारी जो एयर हमारी जो सप्लाई हो रही है वो वी से कम सप्लाई हो रही है। तो सीधी सी बात है, पहले हमें वी वॉल्यूम की एयर चाहिए थी, लेकिन अब हमें क्या मिल रहा है, वी माइनस ए मिल रहा है। यहाँ ए का, यहाँ वॉल्यूम ऑफ एयर से मेरा मतलब है जो यहाँ एयर ट्रांसफर होगी, ऑब्वियस सी बात है वो ऑक्सीजन ही ट्रांसपोर्ट होगा। तो पहले ऑक्सीजन ज्यादा ट्रांसपोर्ट हो रहा था और अब ऑक्सीजन कम ट्रांसपोर्ट होगा। अब जब ऑक्सीजन कम ट्रांसपोर्ट होगा तो हमें दिक्कत फेस होगी, सांस लेने में हमें परेशानी होगी। हम कितना भी ज्यादा सांस लें लेकिन वॉल्यूम तो उतना ही जाएगा ना, वॉल्यूम तो उतना ही जाएगा लास्ट। तो क्या समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे सांस लेने में क्यों परेशानी हो रही है और इन्फ्लामेशन क्या होता है, मैंने क्यों पढ़ा दिया था, बताइए पहले यहाँ तक यस और नो, क्या समझ में आया कि नहीं, या क्या दोबारा समझाना है जल्दी बताइए। बताओ भाई, यस सर, चलो धन्यवाद, आगे चलते हैं। ठीक है चलो जी, चलो जी, ये समझ में आ गया। और इसकी जो वैक्सीन है वो अनअवेलेबल है, इसकी वैक्सीन नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसा कोई भी लंग या हमारा थोरैकिक हिस्सा में जब निमोनिया हो जाता है तो उस थोरेक्स को हम बोलते हैं न्यूमोथोरेक्स, याद रखना, ठीक है, न्यूमोथोरेक्स। इसमें क्या होता है, पहले अगर मान चलो वी वॉल्यूम था, कलर बदलते हैं, अगर पहले वी वॉल्यूम की एयर लंग स्टोर कर पा रहा था वी वॉल्यूम, लेकिन अब वी से कम करेगा। क्यों वी से कम क्यों हो गया, आप समझ सकते हो, ये बस डायग्रामेटिक व्यू है। ऐसा मत समझना कभी भी कि लंग के बाहर इन्फ्लामेशन हो रहा है, यहां इन्फ्लामेशन नहीं होगा। इन्फ्लामेशन कहां हो रहा है, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई में, ठीक है, ब्रोंकियोल्स में और एल्वियोलाई में इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है, याद रखना। अब लंग्स डू नॉट गेट सफिशियंट एयर, और लंग को क्या नहीं मिलती है, सफिशियंट एयर नहीं मिलती है। और बाय द रिजल्ट ऑफ सिम्टम्स ऐसा भी होता है कि आपके जो लिप्स हैं वो ऐसे ब्लूइश से हो जाएंगे जैसे ब्लूइश यहाँ हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, जो मैं यहाँ वर्ड बोल रहा हूँ सिम्टम, सिम्टम मैंने बोल दिया, ऐसी एक चीज होती है साइन। तो सिम्टम तो वो चीज होती है, या आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा इसलिए मैंने बताया नहीं था, सिम्टम तो वो चीज होती है जो एक्सपीरियंस की जाती है किसके द्वारा, होस्ट के द्वारा या फिर पेशेंट के द्वारा, पेशेंट, ठीक है, पेशेंट जो भी इस बीमारी से ग्रसित है। और साइन क्या होता है, साइन इज डायग्नोस्ड, पहचानी जाती है किसके द्वारा, बाय फिजिशियन, जो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, बीएएमएस होते हैं, या फिर जिसके पास भी आप इलाज कराए जा रहे हैं वो इसको डायग्नोस करता है, ठीक है। तो साइन की नॉलेज किसके पास नहीं है, पेशेंट के पास नहीं, क्योंकि इसने पढ़ाई नहीं करी है ना। अच्छा, सिम्टम की नॉलेज किसके पास है, सिम्टम की नॉलेज पेशेंट के पास है, क्यों, क्योंकि डॉक्टर ने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया और पेशेंट इसको एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। तो डॉक्टर पूछता भी, हाँ भाई क्या बीमारी है, क्या क्या फील कर रहे हो आप, तो आप जो भी बात बोलते हो अपने मुंह से वो होते हैं सिम्टम। और कई बार कुछ बीमारी ऐसी होती है जैसे कि टाइफाइड, और टाइफाइड हो गया आपका और मलेरिया हो गया, इन दोनों के सिम्टम लगभग सिमिलर से होते हैं, तो डॉक्टर उस केस में टेस्ट कराने को बोलता है, ब्लड टेस्ट कराओ। तो टेस्ट कराने के बाद अब उसने जो डायग्नोस किया है कि यार इसके अंदर तो ये वाले साइन है, तो दैट इज साइन, ठीक है। और सिम्टम क्या होता है, जो पेशेंट बोलता है कि मेरे जी ये हो रहा है, मेरे ना यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, ये खाना खाने में परेशानी हो रही है वगैरह वगैरह, फलाने में जो कुछ बोलेगा। बताओ साइन सिम्टम समझ में आए नहीं आए, पहले साइन और सिम्टम समझ में आए कि नहीं आए, फिर हम आगे चलते हैं, भाई वायरल डिसीज पढ़ाना है। चलिए चलो जी, चलो जी धन्यवाद, आगे चलते हैं फिर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ये क्वेश्चन था, इसका पोल रन कराना था, मैं एक बारी पोल रन करा के दिखा देता हूं आपको कि कैसे पोल रन होते हैं, ठीक है। आप पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए फिर मैं पोल रन करा दूं, ठीक है, फिर पोल बता दीजिएगा। तो मैं पोल रन कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आपने देख ही लिया है, ठीक है, पोल रन कर रहे हैं।
क्वेश्चन देख लीजिए, अब मैं पोल रन कर रहा हूँ, ठीक है। अरे हल्ला मत बचाओ भाई पहले, अभी ना पोल रन कर रहा हूं मैं, पोल पे चूज कीजिएगा, अब तो सबको पता चल गया। चलो बताओ, मैंने ऐसे ही कोई भी आंसर चूज कर दिया, जल्दी बताओ फटाफट। तो सौरभ ने सबसे पहले जवाब दिया है, उसके बाद भव्य ने दिया है, उसके बाद मेघ ने दिया है, फिर अंशिका ने दिया है, और फिर चमन ने दिया है। पांच ही बच्चों ने जवाब दिए हैं और सही जवाब दिए हैं पांचों के पांचों ने, ठीक है। मुझे नहीं पता कैसे दे पाया सही जवाब, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं और दोबारा से आगे चलते हैं क्लास में। हाँ जी, इस बार आगे चलते हैं और फटाफट से वायरल डिसीज पढ़ते हैं, ठीक है। वायरल डिसीज मैं बहुत सारी लेके आया हूँ, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी क्वेश्चन वहां से आ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए चलते हैं आगे, ठीक है जी। अच्छा तो स्टार्ट करते हैं वायरल डिसीज को। तो सबसे पहले डिसीज है इसमें कॉमन कोल्ड, आपने सभी ने सुना होगा कॉमन कोल्ड, आपको भी नॉर्मली हो ही जाता होगा कॉमन कोल्ड सर्दियों में। तो आगे चलते हैं फटाफट। तो कॉमन कोल्ड का जो पैथोजन है उसका नाम है राइनो वायरस, इसलिए इस बीमारी को राइनिटिस भी बोलते हैं। इस बीमारी का दूसरा नाम क्या है? राइनिटिस। कॉमन कोल्ड को हम लोग राइनिटिस भी बोल देते हैं, राइनिटिस, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो है इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट मतलब जब अगर कोई भी छींक गया, कुछ भी कर गया, तो हम जब छींकते हैं या कुछ भी अपने, अगर मैं बीमार हूं और मैं खांस गया या छींक गया, तो मेरे मुंह से या नाक से ड्रॉपलेट निकलेंगी बहुत सारी। अब जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगी, वो ड्रॉपलेट अगर किसी और की बॉडी के पास आ जाए और वो उसी एयर के अंदर क्या कर रहा है, इनहेल कर रहा है, सांस को लेना शुरू कर दिया उसने, इनहेल करना शुरू कर दिया, तो ये ड्रॉपलेट उसकी बॉडी में जा सकती हैं। तो इस तरह से बीमारी फैल सकती है, ठीक है जी, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं इनक्यूबेशन पीरियड कितना है इसका, 3 to 7, 3 से 7 दिन का इनक्यूबेशन पीरियड है। एंड आफ्टर दैट सिम्टम क्या क्या है, तो सिम्टम आपको याद रखने पड़ेंगे। सिम्टम आर नेजल कंजेशन, नाक बंद हो जाती है, ठीक है, एक्सेसिव नेजल सेक्रीशन, आप समझ सकते हैं इसका मतलब, आपकी नाक ज्यादा बहेगी उस टाइम पे, और सोर थोरेट हो जाएगा, कफ होगा, हेडेक होगा, ठीक है, हेडेक वगैरह तो सब बीमारी में होता ही है। बात करते हैं इस बीमारी की वैक्सीन अनअवेलेबल है, इसकी वैक्सीन नहीं होती, ठीक है जी, याद रखनी आपको ये बात। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट बीमारी पे, जिसका नाम है मम्स। तो मम्स क्या होता है, ये हमारे ना एक सेलाइवरी ग्लैंड होती है, हमारी एक सेलाइवरी ग्लैंड होती है, ठीक है, आपने सुना होगा पैरोटिड ग्लैंड का नाम तो सुना ही होगा आपने, पैरोटिड ग्लैंड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, जिसको चीक ग्लैंड बोलते हैं। हमारी सेलाइवरी ग्लैंड तीन तरह की होती है, तीन तरह की सेलाइवरी ग्लैंड होती है, एक तो होती है पैरोटिड ग्लैंड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पर पूरा सुनिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। एक तो होता है पैरोटिड ग्लैंड होता है, एक होता है सब लिंगुअल ग्लैंड, एक होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जिसको आप सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी बोल सकते हो। तो पैरोटिड ग्लैंड सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट, ठीक है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, लेकिन इसको और ज्यादा लार्ज करेगा कौन, इसको और ज्यादा लार्ज कौन कर देगा, मम्स कर देंगे, मम्स, मम्स में ये और ज्यादा लार्ज हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो पैथोजन है उसका नाम है पैरामिक्सो वायरस, इसका नाम है पैरामिक्सो वायरस, ठीक है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, अगेन वही सेम टाइप का इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 16 से 18 दिन, 16 to 18 days। आफ्टर दैट सिम्टम क्या है इसका, इसके अंदर पेनफुल स्वेलिंग हो जाएगी, कहां पे, पैरोटिड ग्लैंड्स में। मैंने अभी बताया पैरोटिड ग्लैंड कौन सी होती है, इसको हम चीक ग्लैंड्स भी बोल देते हैं, चीक ग्लैंड्स, ठीक है, चीक ग्लैंड। फिर आगे चलते हैं, और या तो ये एक
तरफ हो जाएगी या फिर दोनों तरफ हो सकती है, क्योंकि चीज ना दोनों तरफ होती है हमारे, इधर भी कहाँ ले इधर, अरे इधर और इधर, ठीक है दोनों तरफ होगी, तो दोनों तरफ से हम सूझ सकते हैं, स्वेलिंग हो जाएगी दोनों तरफ से, ठीक है। और इसकी जो वैक्सीन है उसका नाम है MMR वैक्सीन, ठीक है याद रखिएगा। चलो जी, तो देख सकते हो ये डायग्रामेटिक व्यू है इसका, पैरोटिड लाइन स्वेल हो जाती है, तो उसको हमारे शायद देहाती भाषा में कनफेरे बोलते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कनफेरे आपने सुना होगा, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वायरल डिसीज इज मीजल्स, मीजल्स, ठीक है मीजल्स। तो सुनिएगा, इसका जो पैथोजन उसका नाम है रुबेला वायरस, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगेन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, और इंक्यूबेशन पीरियड इसका 10 डेज का है, और सिम्टम है कि स्किन पर पहले तो नेक के ऊपर रेडिस रैश होंगे, रैशेस, ठीक है, जो कि पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है। और इसकी वैक्सीन को भी MMR वैक्सीन से ये भी ठीक हो जाएगा, और देखो इस तरह के रैशेस हो जाते हैं बॉडी पे, है ना, इस तरह के रैशेस हो जाते हैं इस बीमारी में, मीजल्स में, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट वायरल डिसीज का नाम है डेंगू, डेंगू। इसको मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा डिटेल में, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, तो सुनिएगा ध्यान से। इसका दूसरा नाम है ब्रेक बोन फीवर। जब तुम इसके सिम्टम पढ़ोगे तो तुम तो ये कहोगे सर इसने हड्डी ही नहीं बहुत सारी चीजें तोड़ दी हैं, हालांकि इस बीमारी में हड्डियां नहीं टूटती हैं, लेकिन फिर भी इस बीमारी को हम ब्रेक बोन फीवर बोल रहे हैं, क्योंकि एकदम हड्डी सी तोड़ देता है, मतलब कि एकदम बहुत ज्यादा बुरी बीमारी है, बहुत ज्यादा बुरा बुखार है ये, ठीक है। तो सुनिएगा ध्यान से, तो मॉस्क्यूटो इसलिए पैथोजन है, ये मॉस्क्यूटो के अंदर बॉर्न होता है, और इसका नाम है फ्लेवी राइबो वायरस, याद रखना डेंगू के वायरस का क्या नाम है, फ्लेवी राइबो वायरस, ठीक है। अच्छा, और इसका ट्रांसमिशन होता है एडीज एजिप्टाई मॉस्क्यूटो से, आप देख सकते हो यहाँ पे, इसको टाइगर मॉस्क्यूटो भी बोलते हैं, क्योंकि देखो टाइगर की तरह ना शेडिंग्स होते हैं इसके ऊपर, जैसे टाइगर के ऊपर होती है ना लाइंस, ऐसे इसके ऊपर भी होती है, इसको टाइगर मॉस्क्यूटो बोल देते हैं। इसका नाम है एडीज एजिप्टाई। इस जब ये हमें काटता है, ऑब्वियसली बात है ब्लड जब सक करेगा कुछ भी करेगा तो काटना, मतलब ऐसे दांत से नहीं काट लेगा ये, ठीक है। इस मॉस्क्यूटो की बाइट का मतलब आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये कहाँ ब्रीड करते हैं, कहाँ अंडे देते हैं, क्लीन वाटर में, गंदे पानी में नहीं, साफ सफाई वाले इंसान साफ सफाई वाले कीड़े, ठीक है। तो ब्रीड इन क्लीन वाटर एंड आफ्टर दैट ये डे टाइम में काटता है, ठीक है। नॉर्मली रात को तो वो मलेरिया वाला मच्छर काटता है, प्लाज्मोडियम, लेकिन ये दिन के टाइम में काटता है, ठीक है। इसके बाद ये इंडिया के मेनी पार्ट में मिलता है, अलग अलग पार्ट में, इंडिया के अलग अलग पार्ट में मच्छर आपको देखने को मिल जाएगा। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 3 से 8 दिन है, और सिम्टम इसके क्या क्या है तो सुन लीजिएगा ध्यान से। मैं दो तरह के डेंगू पढ़ा रहा हूँ, तो क्लासिकल डेंगू और उसके बाद डेंगू पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सडन अचानक से फीवर आ जाएगा बहुत भयंकर, ठीक है, और आपके सर के सामने वाले हिस्से में, फ्रंटल हिस्सा, ठीक है, वहां पे दर्द होगा, और आंखों के पीछे भी दर्द होगा, आंखों के पीछे, जिससे कि आप इधर उधर भी नहीं देख पाएंगे, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी आपको, और आपकी मसल में भी पेन होगा, और आपके जॉइंट्स में भी पेन होगा, जॉइंट्स में, जोड़ों में, इसलिए इसको ब्रेक बोन बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हड्डियां नहीं टूटी हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ। एपेटाइट का लॉस हो जाता है, मतलब भूख कम लगती है, रैसेस हो जाते हैं बॉडी के ऊपर, रैसेस कैसे होते हैं मैंने आपको बता दिया था, नोजिया, जुकाम और वोमिटिंग, है ना, वोमिटिंग तो आप समझते ही हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हेमरेजिक डेंगू। देखो जहां भी हेमरेज आ जाए, पहले तो ये समझ लेना हेमो, जहां भी हीमो बढ़ा गया इसका मतलब होता है ब्लड से हेमेटोलॉजी, ठीक है। तो हीमो मतलब ब्लड, अब हेमरेजिक का मतलब होता है ब्लड वेसल जो होती है वो फट जाएंगे कहीं से, तो ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसका पहला ही सिम्टम है कि ब्लीडिंग होगी नोज से, मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ, ठीक है, क्या होगी भाई, ब्लीडिंग होगी नोज से और माउथ से और मसूड़ों से और स्किन ब्रूसिंग से। स्किन ब्रूसिंग क्या होते हैं समझ लीजिए, आपको अगर नहीं पता है तो हमारी जो स्किन है इसके पास में बहुत छोटी छोटी माइन्यूट सी ब्लड वेसल होती है, माइन्यूट सी ब्लड वेसल होती है, इसके पास बहुत माइन्यूट सी ब्लड वेसल्स होती हैं, वो भी रप्चर हो जाएंगी तो ब्लीडिंग हो जाएगी, वहां से ब्लड बाहर निकल के आ जाएगा। क्या समझ में आया यहाँ तक, ये बताओ जल्दी फटाफट, मैं बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ, या क्या करना है, स्पीड पे काबू करना है, जो भी करना बताओ जल्दी फटाफट, क्या अभी तक समझ में आया सब कुछ, ओके थैंक यू। तो हेमरेजिक डेंगू में सीवियर एंड कंटिन्यू स्टमक पेन होता है, सीवियर मतलब खतरनाक, जब मैंने बोल दिया सीवियर, सीवियर का मतलब खतरनाक, तो खतरनाक और लगातार स्टमक में पेन होगा, और फ्रीक्वेंट वोमिटिंग होगी, है ना, और उसके साथ आपका ब्लड भी आ सकता है और ब्लड नहीं भी आ सकता है, और पेल कोल्ड या फिर कामी क्लैमी स्किन हो जाएगी। पेल कोल्ड का मतलब आपको ठंड भी लगेगी और स्किन पीली भी पड़ जाएगी, ठीक है ना, और बहुत ज्यादा प्यास भी लगेगी आपको, और आपका पल्स रेट वीक हो जाएगा, देखो पल्स रेट क्या हो गया, वीक हो गया,
और डिफिकल्टी मतलब बीपी कम हो जाएगा, ठीक है, बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में परेशानी होगी, ब्रीथिंग में सांस लेने में, रेस्टलेसनेस, आपको बेचैनी होगी भाई, और आप रोगे, लगातार रोगे भाई, बचा लो या मार दो, कुछ कर दो, ठीक है, आप बहुत ज्यादा तड़पेंगे। तो आपको इसके सिम्टम देख के लग रहा होगा कितनी भयंकर बीमारी है, मुझे तो हुई नहीं आज तक, नहीं तो मैं और ज्यादा एक्सपीरियंस करके बताता, बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी है भाई ये, बहुत ज्यादा क्लासिकल से ज्यादा भयंकर है हेमरेजिक डेंगू। अगर कोई आपसे पूछे कौन सा डेंगू ज्यादा भयंकर है, क्लासिकल की हेमरेजिक, तो आप बता दे बता सकते हैं, ठीक है, और सिम्टम को याद रखना। इस बात बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है वायरल डिसीज, जिसका नाम है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया सुना तो होगा इसका नाम भी आपने, तो चिकनगुनिया का जो पैथोजन, उसका नाम है चिकनगुनिया वायरस। एक तो वायरल डिसीज के ना पैथोजन, जो भी बीमारी का नाम होता है उसके पीछे बस वायरस लगा दो, मोस्टली ऐसा ही होता है, ठीक है। अच्छा जी, जैसे कि मैंने फ्लेवी वायरस बनाया था डेंगू का, लेकिन कुछ बुक्स में सीधा दे रखा डेंगू वायरस, बस खत्म कर दिया उन्होंने, क्या बोले उन्होंने, सीधा बोले डेंगू वायरस, उन्होंने फ्लेवी वायरस नहीं लिख रखा था, डेंगू वायरस लिख दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अगेन ये वो ही मच्छर है एडीज एजिप्टाई जो कि डेंगू फैलाता था, ये भी सेम वही मच्छर चिकनगुनिया भी फैलाएगा, ठीक है। एडीज एजिप्टाई को हम और किस नाम से जानते हैं, बताओ इस मच्छर का दूसरा नाम क्या है, जल्दी बताओ फटाफट, क्लास को इंटरेक्टिव बनाओ, मजा आता है। टाइगर मॉस्किटो, सही बात है भाई, बहुत सही जवाब। इसका बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड इसका 3 to 6 days, और सिम्टम है इसका सडन ऑनसेट ऑफ फीवर सेम उसी तरह, और जॉइंट में पेन होंगे आपके, और लिम्फेडिनोपैथी एंड कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, आंखों में एकदम मोतियाबिंद सा होता है ना वो हो जाएगा, और सम सो हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन, और किस जगह पे हेमरेज भी हो सकता है, हेमरेज मतलब जब ब्लड वेसल फट जाती है, ठीक है ना, और ये बाईफेजिक होता है, दो फेज में आता है, दिन में रात में, है ना, नॉर्मल टाइम पे आपको बुखार चढ़ेगा। और इसकी वैक्सीन क्या है, अनअवेलेबल है, इसकी वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है, ठीक है। ये लेक्चर यहीं खत्म होते हैं और आ जाते हैं वापस अपनी क्लास पे, ठीक है जी। हाँ जी, तो लेक्चर हमारा शायद 50 मिनट का हो गया भाई, देखते देखते मुझे ये क्लास अब रोकनी पड़ेगी, क्योंकि 9th वालों के साथ भी तो क्लास देनी है, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे कल, चलो भाई अटेंड।